हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो चैप्टर कर रहे थे वो हो गया है कंप्लीट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब उस चैप्टर से बोर भी हो चुके होंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग लगती है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का। ये है फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और ये जो चैप्टर होगा ये आपका दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा एक में कंप्लीट करने की, पर एक में ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए इसको हम दो में करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम आज बात करने वाले हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की। दोस्तों, आपको पता होगा कि शीत युद्ध की समाप्ति 1990 में होती है, और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व जो है दो ध्रुव्यता से एक ध्रुव्य विश्व रह जाता है, और अमेरिका का वर्चस्व जो है वो 1990 के बाद स्थापित हो जाता है। लेकिन 2000 के आसपास में या इसके बाद में जो है धीरे धीरे सत्ता के बहुत सारे वैकल्पिक केंद्र उभरने लग जाते हैं, यानी कि अमेरिका को टक्कर देने वाले कुछ संगठन जो है वो उभर कर सामने आने लग जाता है। और ऐसे ही संगठनों की आज हम बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बेसिकली क्षेत्रीय संगठनों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज बताऊँ। इससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही कॉमन सा जो क्वेश्चन है, जो हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, उसका आंसर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे क्षेत्रीय संगठन की, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्षेत्रीय संगठन होता क्या है। और संगठन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय संगठन और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। क्या होता है, संगठन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्षेत्रीय संगठन और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, तो क्षेत्रीय संगठन ऐसा संगठन जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, यानी अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर जो संगठन बना हुआ है वो कहलाता है क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, और क्षेत्रीय संगठन में सदस्य देशों की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और यहाँ पर जो है ये संगठन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसके सदस्य संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, सदस्य देश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये संगठन एक बहुत बड़ा संगठन होता है जो पूरे विश्व के लिए काम करता है। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, क्षेत्रीय संगठन केवल अपने क्षेत्र के सदस्य देशों के लिए काम करता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए या पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी के लिए मिलकर ये आपस में मिलकर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता क्या है, क्वेश्चन ये तो था बेसिक सा डिफरेंस कि क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या, लेकिन क्वेश्चन जो आता है इस तरीके से कि क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य बताइए, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर कोई क्षेत्रीय संगठन दे देगा, सपोज यूरोपीय यूनियन दे दिया, या फिर आसियान दे दिया, या फिर तुम्हें सार्क दे देगा और पूछेगा कि सार्क का उद्देश्य क्या है। तो गाइज, एक कॉमन सा आंसर जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी किसी क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्यों के बारे में पूछा जाएगा तो उसका कॉमन सा एक आंसर होगा जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है। तो देखते हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो। ठीक है, सभी क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होता है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, अपने क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उनको वो लड़ाई झगड़े की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने पर वो बल देता है। इसके अलावा कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, इसको कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। इसके अलावा अपने क्षेत्र के देश
की संप्रभुता का सम्मान करना, यानी कि जितने भी सदस्य देश होंगे वहां पर उन सभी सदस्य देशों के संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, सभी एक दूसरे की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना, और ये जो इनका मोटिव होता है कि जो हमने संगठन बनाया वो अपने क्षेत्रों में कम से कम शांति को स्थापित करके रखे, यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। इसके अलावा अपने क्षेत्र के देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग किस तरीके का हो सकता है? तो सहयोग किसी भी प्रकार से, आर्थिक सहयोग हो सकता है, राजनीतिक सहयोग हो सकता है, सांस्कृतिक सहयोग हो सकता है, किसी भी प्रकार के सहयोग को ये बढ़ावा देते हैं। तो अब क्वेश्चन चाहे आ जाए आसियान के ऊपर कि आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है उसका उद्देश्य क्या है, या फिर आ जाए सार्क के ऊपर कि सार्क का जो है सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसके उद्देश्य में भी आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बस वहां पर आपको करना क्या है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्शल योजना। तो मार्शल योजना क्या था, दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप का जो बहुत सारा एरिया है, बहुत सारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में अमेरिका क्या करता है, अपने खेमा के पश्चिमी जो यूरोप के जो देश हैं उसकी अर्थव्यवस्था को अच्छा ठीक करने की कोशिश करता है, और उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं मार्शल, वो एक योजना चलाते हैं, ठीक है, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो मार्शल योजना क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यूरोप के, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए जो एक योजना चलाई जाती है उसी को मार्शल योजना कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्शल योजना को देखें तो मार्शल योजना के तहत होता क्या है कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना होती है। क्या होता है, मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है, और इसी के तहत जो भी फंड दिया जाना होता है पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए, वो फंड इसी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करती थी, और 1948 में तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन और 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की जाती है जो आर्थिक मामलों की देखरेख करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो था मार्शल योजना, देन हम बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो था या यूरोपीय संघ जिसे हम कहते हैं वो क्या था और उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करने से पहले चलिए मैं आपको इसका जो है मैप दिखाता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये है आपका यूरोपीय संघ का मानचित्र, और इसमें आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ये पुराने सदस्य हैं, जो यूरोपीय यूनियन के जो पुराने सदस्य हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ये जो हैं इसके पुराने सदस्य हैं यूरोपीय यूनियन के। और ये जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है ये इसके नए सदस्य हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है, कितने सारे देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन है क्या एक्चुअल में। तो अगर देखें तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। यूरोप क्या है, एक यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें यूरोप के लगभग सारे देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1992 में एक संधि के द्वारा होती है, और वो संधि कौन सी थी, तो वो संधि थी मॉस्ट्रिस्ट संधि, और मॉस्ट्रिस्ट संधि के द्वारा 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना एक गान है, अपनी मुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2003 में जो है यूरोपीय यूनियन ने अपना एक संविधान बनाने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो जो प्रयास किया गया था वो प्रयास असफल रहता है, ठीक है। तो अगर आता है कि यूरोपीय संघ क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप बताओगे कि यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश शामिल है, जिसमें 28 या 29 देश शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में मॉस्ट्रेट संधि के द्वारा हुई थी, और यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपनी एक मुद्रा है, ठीक है। और इसके अलावा 2003 में इन्होंने अपना एक झंडा, संविधान बनाने का प्रयास किया था, परंतु ये जो प्रयास था वो असफल होता है। इसके संदर्भ में जो संविधान बनाने का जो प्रयास किया था इन्होंने, तो वो असफल होता है। तो इसके संदर्भ में एक कार्टून जो है वो बनाया गया था,
उस कार्टून को मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो कार्टून, देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें दिखाया गया क्या है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी, यह कोशिश नाकाम रही। इसी को लक्ष्य करके कार्टून बनाया गया था और कार्टूनिस्ट यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज़ के रूप में दिखाते थे, ठीक है, क्योंकि ये जो है टाइटैनिक जहाज़ में सभी जो यूरोपीय देश थे, इसको इसलिए टाइटैनिक जहाज़ में दिखाया जा रहा था क्योंकि यूरोपीय संघ एक टाइटैनिक जहाज़ था जिसमें यूरोप के सभी देश लगभग सवार होकर एक तरीके से जा रहे थे, ठीक है। तो यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय संघ ने अपना झंडा बनाने का प्रयास किया परंतु वो असफल रहता है। आगे हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं की। तो अगर हम यूरोपीय संघ की विशेषताओं को देखें तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं जो है आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली विशेषता यूरोपीय संघ की अगर हम देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है यूरोपीय संघ, ठीक है। क्या है? आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से ये बहुत ही स्ट्रांग है। 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यहाँ तक कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उससे भी ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था थी। GDP 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था इसका, यूरोपीय संघ का। यूरो अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत है। जो यूरो है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो, और यूरो जो है अमेरिका का जो डॉलर है उससे भी ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा विश्व व्यापार में इसकी जो भागीदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अमेरिका से भी ज़्यादा शक्तिशाली ये यूरोपीय संघ है। इसके जो 2 सदस्य हैं यूरोपीय संघ के, वो UN में स्थायी सदस्य हैं। जो UN में 5 स्थायी सदस्य हैं ना, जिसमें से 2 जो हैं वो यूरोपीय संघ के सदस्य भी हैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस है, ठीक है। इसके अलावा 550 के करीब इसके पास परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी में इस ये जो है दूसरे स्थान पर आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसकी विशेषताएं जो है, बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिल सकती है, आप इसमें से कोई भी 4-5 विशेषताएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में। देन हम बात करते हैं आसियान। आसियान जो है ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना, इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये, ठीक है। आसियान का क्या फुल फॉर्म है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, कई बार ये भी पूछा जाता है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और इसके संस्थापक, जो पहले के 5 संस्थापक देश थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ठीक है, ये इसके 5 सदस्य देश हैं। इसके बाद 5 और देश इसमें जुड़ते हैं, जिसमें ब्रुनेई, जिसको दारुसलाम के नाम से भी जानते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार इसमें शामिल है। तो टोटल जो है इसके जो आसियान के 10 संस्थापक देश हैं, 5 जो हैं पहले और 5 बाद में हैं। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, बता दिया है, 8 अगस्त 1967 को 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों ने एक बैंकॉक में एक सम्मेलन किया इन 5 देशों ने, और वहाँ पर एक घोषणा पत्र पर साइन किया जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य जो है क्या है, आर्थिक विकास को तेज करना। आसियान का उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना। इसके अलावा आपसी सहयोग के द्वारा शांति की स्थापना करना, ठीक है। जो आसियान जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया जो है, उधर जो है शांति की स्थापना करने पर इनका जो है एक मुख्य उद्देश्य है। आसियान शैली क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। तो आसियान शैली का मतलब है कि अनौपचारिक, टकराव रहित यानी युद्ध वगैरह को हटाकर सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका है। आसियान शैली क्या है? एक अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक तरीका है जिसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि आसियान का जो है विस्तार वो कैसे होता है, ठीक है। आसियान ने क्या करा, धीरे धीरे अपने जो उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बना लिया।
इसका जो उद्देश्य था, इसकी जो स्थापना हुई थी आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना जो क्षेत्र है वो थोड़ा बढ़ाता गया। 2003 में आसियान ने 3 अपने आधार स्तंभों का निर्माण किया, जिसमें से आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, जो क्या करता है आसियान के जितने भी चीज़ें होती है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, जो भी विवाद होता है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का काम करता है आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके बाद में आसियान आर्थिक समुदाय, तो इसका जो काम है ये क्या करता है, ये दूसरा स्तंभ है, ये क्या काम करता है, तो आसियान देश के जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में व्यापारिक लेन देन, कर रहित व्यापार, इन सभी चीज़ों को जो है सुलभ बनाने का प्रयास करता है। और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, इसका उद्देश्य भी जो सामाजिक और जो राजनीतिक जो भी टकराव है उन टकरावों को बातचीत के द्वारा सुलझाने का ये प्रयास करते हैं। तो 2003 में आसियान ने अपने क्षेत्र को व्यापक किया और इन्होंने जो है 3 आधार स्तंभों का निर्माण किया, जिसमें पहला जो आधार स्तंभ था वो था आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा जो था वो था आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा जो था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, आसियान जो है आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति का तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की गई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि आसियान देशों ने सुरक्षा और विदेश नीति को तालमेल बनाने के लिए दोनों के बीच में किसकी स्थापना की गई थी, तो आसियान क्षेत्रीय मंच की, जिसको हम ARF भी कहते हैं। ठीक है, आसियान रीजनल फोरम, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं आसियान विजन 2020 क्या है, इसको हम देख के उसके बाद में हम इसको वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अब ज़्यादा हो जाएगा लंबा, इसलिए इसको ख़त्म करके यहीं पर रोकते हैं। आसियान विजन 2020 की स्थापना जो है, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को एक ऐसे संगठन के रूप में उभारना चाहते हैं ये, जो आसियान जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर अपना एक बहुमुखी भूमिका निभा सके। ठीक है, यानी कि ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सके। इसके अलावा संघर्षों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर ये बल देते हैं, और 1999 से नियमित रूप से इनकी बैठकें जो है वो आयोजित हो रही है, और ये बैठकें एक तरीके से सफल होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टकराव है उन टकरावों को ये आसानी से बातचीत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। तो आसियान विजन 2020 की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है, संघर्षों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर बल देता है, और ये नियमित बैठकें भी जो है वो करना चाहता है, और ये 1999 के बाद इसकी बैठकें जो है वो नियमित रूप से हो भी रही है। ठीक है, आपके लिए मैंने बोला था एक गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ ये है कि एक दो दिन के अंदर में ही आप लोगों के लिए हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, और ये बिलीव कीजिएगा ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आंसर लेकर आऊँगा, क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो, और इसके बाद में जो हिस्ट्री के मैप्स हैं वो भी आपको करवाऊँगा, और ज़्यादा नहीं 4-5 मैप करवाऊँगा, और उसमें से वो मैप जरूर आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।